brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. ये साफ बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग है। भूपेंद्र हुड्डा पुत्र मोह में, पुत्र को चुनाव जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यहाँ मदद भी कर रहे हैं और फ्लोर टेस्ट के उपरांत पता चलेगा कि क्या इस सरकार के पास जनमत विधायकों का है या नहीं। संपर्क तो अमरजीत भी 20 विधायकों से हर रोज कर लेता है, मैं भी कर लेता हूँ, अब पार्टी लाइंस भी करते हैं। पार्टी स्टैंड विधानसभा में बड़ा क्लियर होता है, वो विप से चलता है। और जिस हिसाब से कांग्रेस ने उत्तराखंड से लाके उम्मीदवार यहाँ उतारा है, ये साफ बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग है। भूपेंद्र हुड्डा पुत्र मोह में, पुत्र को चुनाव जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यहाँ मदद भी कर रहे हैं। मगर सोनीपत की जनता जागरूक है, समझती है और इस बार वोट की चोट देगी। और मुझे खुशी है, अभी मैं जुलाना से आया हूँ, बड़ौदा में हूँ, आगे गुहाणा और गन्नौर जाऊंगा। जिस तरह का लोगों में प्यार उत्साह है, इस बार वोटर टर्नआउट भी खूब होगा और जनता जो ये कांग्रेस की दोगली नीति है इसका पर्दाफाश भी करेगी। और जिस तरीके से पूरी कांग्रेस को पुत्र मोह में बर्बाद किया है उसका भी जवाब जनता देने का काम करेगी। जिस तरह के हालात आज बन रहे हैं, मुझे लगता है दिन प्रतिदिन 400 पार करने वाले लोग 400 पार की बात छोड़ गए हैं और वही हर प्रदेश में रीजनल पार्टीज की ताकत को एक बढ़ोतरी मिली। जिस तरह से फरलों की बात कही जा रही थी, उसको लेकर लगातार प्रयास लगाते सरकार की सकती है, ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन देखिए बीजेपी के नेता जिस तरीके से 3 दिन पहले 3 निर्दलीय विधायक जो सरकार को समर्थन दिए बैठे थे वो सरकार से समर्थन वापस ले चुके, लिखित में महामहिम गवर्नर को भी। मैंने अगले दिन ही कहा था कि जननायक जनता पार्टी इस मुहिम में पत्र महामहिम गवर्नर को लिखेगी कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि 2 महीने से कम के अंदर नायब सैनी अपने विधायकों का विश्वास खो चुके। अब तक कांग्रेस के नेताओं ने ना गवर्नर को चिट्ठी लिखी है ना गवर्नर को मिले। हमारी तरफ से साफ कि जो नई सरकार है वो आज अल्पमत में है, उस सरकार से विधायक दल जो उस पर भरोसा कर बैठे थे 3 लोगों का विश्वास हट चुका है। 2 व्यक्ति मनोहर लाल खट्टर जी और चौधरी रंजीत सिंह इस्तीफा दे चुके हैं, 5 की संख्या कम हो चुकी है। आज फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और फ्लोर टेस्ट के उपरांत पता चलेगा कि क्या इस सरकार के पास जनमत विधायकों का है या नहीं। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनके पास जो है बीजेपी और कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में है, संपर्क तो अमरजीत भी 20 विधायकों से हर रोज कर लेता है, मैं भी कर लेता हूँ, अब पार्टी लाइंस भी करते हैं। पार्टी स्टैंड विधानसभा में बड़ा क्लियर होता है, वो विप से चलता है। और आपने 13 मार्च को भी देखा होगा पार्टी ने विप जारी किया, सभी विधायकों ने फॉलो किया। आज पार्टी स्टैंड क्लियर है कि हम जो सरकार विधायकों का कॉन्फिडेंस खो चुकी है, अल्पमत में आ चुकी है, उस सरकार का फ्लोर टेस्ट चाहते हैं। और मैं मांग करता हूं सभी विपक्ष के साथियों से, चाहे वो कांग्रेस के हो, लोकदल के हो, चाहे इंडिपेंडेंट्स हो, सारे एक हो, और करंट गवर्नमेंट के खिलाफ फ्लोर टेस्ट पर ताकत दिखाकर इस सरकार को हटाए और प्रदेश में गवर्नर रूल लगाकर चुनाव प्रक्रिया को शुरू करें।